हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेटा के ओनर रिव्यू की। आपके साथ शेयर करेंगे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और बताएंगे कि क्या ओनर जो है वो सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से या फिर नहीं। तो मेरे साथ है आशीष जी, जो कि है इस गाड़ी के ओनर। तो सर, हाय कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, हाय मोटर टॉर्शन व्यूअर्स। या तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सर, जैसे कि ये क्रेटा का DCT ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरियंट है, तो आपको इसका जो प्राइस पड़ा ऑन रोड वो कितना पड़ा हरियाणा में? सो हरियाणा में इसका रोड प्राइस मुझे अराउंड 19.5 लाख का कॉस्ट किया है, एंड इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 17.2 लाख है, और बाकी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ओके, तो बात करते हैं कि आपने ये DCT वेरिएंट खरीदा है टर्बो पेट्रोल में, तो आपका मतलब क्या रीज़न था आपने यही वेरिएंट जो है चुना? सो मेरा बेसिकली जो चॉइस था वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का था बेसिकली, क्योंकि मैं बाहर ड्राइव करके आया हूँ ऑटोमेटिक, सो सिटी ड्राइव के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, और मेरा जो ड्राइव रहेगा वो बेसिकली दिल्ली NCR एरिया में रहेगा आफ्टर थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। तो इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चूज़ किया है। तो इसमें दो ऑप्शंस थे मेरे पास, एक तो DCT वेरिएंट था और दूसरा IVT था। तो मेरा चॉइस IVT था, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्टॉक मैंने DCT वर्जन चूज किया। ओके, तो जैसे कि आपने मतलब ये क्रेटा गाड़ी खरीदी, तो खरीदने से पहले आपने कंपैरिजन किया होगा, टेस्ट ड्राइव भी की होंगी, इसके जो कंपटीटर्स हैं जैसे कि किया सेल्टोस है और भी काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ जैसे जीप कंपस है, तो आपने जब कंपैरिजन किया होगा तो आपने क्रेटा को ही क्यों फाइनल किया? हाँ, सो मेरा बेसिकली कंपैरिजन किया सेल्टोस, जीप कॉम्पस और क्रेटा के बीच में था। सो जैसे ही मैं इंडिया में वापस आया तो क्रेटा आई थिंक उससे एक वीक पहले ही लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मैंने किया सेल्टोस का टेस्ट ड्राइव लिया, किया सेल्टोस मुझे अच्छी लगी, मेरा पर्सनल चॉइस था, बट जब मैंने उसे अपनी फैमिली को दिखाया तो मेरी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे क्रेटा लेनी चाहिए, बिकॉज उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं लाइक इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है या और जो इसके की फीचर्स हैं वो सेल्टोस से ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसके लिए मैं क्रेटा के लिए गया। मैंने जीप कॉम्पस के बारे में भी सोचा और मैंने उसके भी रिव्यूज़ देखे, तो मैंने जो मतलब बेसिकली जजमेंट लिया कि जीप के जो बेसिकली सर्विस बेसिकली जो मेंटेनेंस वगैरह है वो इतने कॉमन नहीं है अराउंड द कंट्री साइड, और जो इनकी सर्विस के इश्यूज भी काफ़ी हैं कंट्री के अंदर, अभी इतना नॉर्मल नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैंने ये चॉइस बनाया कि मैं क्रेटा के साथ ही जाऊंगा। ओके, तो जैसे कि ये DCT वेरिएंट है, और हमने रिसेंटली सुना था कि किया सेल्टोस के DCT वेरिएंट में भी कुछ मतलब हीटिंग इश्यूज रहे हैं, और ये भी जो है उसी की सिबलिंग है और सेम इंजन हमें देखने को मिलता है, तो आपको कहीं इसमें हीटिंग इशू आया अभी तक? तो मुझे अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं, और मैंने भी ये स्टडी किया था कि किया सेल्टोस में या वेन्यू के जो DCT वर्जन्स हैं उनमें हीटिंग का इश्यूज है, बट जो ह्यूंडई ने या ऑनलाइन कंटेंट में जो रिकमेंडेशंस हैं तो मैं वो रिकमेंडेशंस फॉलो कर रहा हूँ, एंड जब से मैं रिकमेंडेशन फॉलो कर रहा हूँ मुझे ऐसा कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आया। सो जो कॉमन रिकमेंडेशन अवेलेबल है बाई ह्यूंडई और एनी अदर ऑनलाइन बेसिकली रिकमेंडेशंस वो ये हैं कि एक तो आप जब भी ड्राइव कर रहे हो, कभी भी आपने अपनी कार को रेड लाइट पे या कहीं पे भी रोका हुआ है तो मेक श्योर कि आप उसको न्यूट्रल में चेंज कर लें अपने गियर लीवर को। सेकेंडली, आप बम्पर टू बम्पर ड्राइव अवॉइड करें, जितना डिस्टेंस आप रख सकते हैं आगे वाले व्हीकल से उतना आप कोशिश करें, और सेकेंडली आप थर्डली बेसिकली आप रैपिड एक्सेलरेशन को अवॉइड करें। सो जो इंस्टेंट हम एक्सेलेटर के पेडल को प्रेस करते हैं उससे काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है इंजन के अंदर, जो ट्रांसमिशन को भी हीट कर सकता है, तो आप ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक कि आप ट्रांसमिशन हीट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा सजेशन है सबके लिए जो DCT वेरियंट खरीदना चाहते हैं उनके लिए। तो बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है माइलेज, और पेट्रोल वेरिएंट में जैसे कि माइलेज लोगों को काफ़ी डाउट रहता है कि खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि माइलेज जो है वो कम रहती है, तो आपको करेंटली क्या माइलेज मिल रही है इसमें? अभी इफ़ आई टॉक अबाउट दी सिटी माइलेज, सो सिटी माइलेज इज़ अराउंड 9 to 10,
अगर मैं इसको कंफर्ट मोड में ड्राइव कर रहा हूँ तो, और अगर मैं इसको एक्सटीरियर में ले जाता हूँ सिटी के, तो 13-14 का एवरेज मिल रहा है मुझे। और जब मैं इसको लॉन्ग ड्राइव पे अराउंड 200-300 किलोमीटर के स्ट्रेच पे लेके जाता हूँ, तब ये मुझे अराउंड 17-18 का माइलेज दे रही है करेंटली। ओके ओके। और इसके अलावा जैसे कि जैसे ये टर्बो वेरिएंट है, तो आपको जब हाईवे पे चलाते हैं या सिटी में चलाते हैं, तो आपको कई इंजन से नॉइस कैबिन में आती है, या फिर रोड नॉइस जो है वो कहीं आपको फील होती है? अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आया, बट एक जो टर्बो इंजन का एक जो हैवी वॉइस होता है वो है इस इंजन के अंदर, वो फील होता है आपको, और वो मतलब एक पॉजिटिव वाइब भी देता है कैबिन के अंदर, क्योंकि टर्बो में वो जो फ्यूल इंजेक्शन है वो कंपैरेटिवली हाई है एनी अदर पेट्रोल वेरिएंट के, तो जो इसमें आपको एक स्पोर्टी फील आती है, सो वो आपके एक्सपीरियंस को और अच्छा करती है। तो मेरा जो बेसिकली पर्सनल ओपिनियन है कि टर्बो से जो वॉइस हैवी हो रही है वो अल्टीमेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, आपको फील करवाने के लिए दैट यू आर ड्राइविंग बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग व्हीकल। ओके ओके। अगर हम ड्राइव मोड्स की बात करें, तो इसमें हमें जैसे 3 ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन मिलता है, तो आपको किस में चलाना सबसे अच्छा लगता है, सिटी और हाईवे पर? सो बेसिकली इस मॉडल में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं और 3 ट्रैक्शन मोड्स हैं। सो ड्राइविंग मोड्स में वी हैव स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड है और इको मोड है। सो सिटी ड्राइविंग के लिए आई थिंक कंफर्ट मोड इज़ गुड। जब भी आप मतलब रेगुलरली ब्रेक को यूज़ कर रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो कंफर्ट मोड आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा सिटी के अंदर। आप जब इसको लॉन्ग ड्राइव पे हाईवे पे लेके जाते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप इसको इको मोड में ड्राइव करें, आपको अच्छा माइलेज देगा और आपको इतना ज़्यादा लैग नहीं फील होगा कंसिस्टेंट स्पीड पे। स्पोर्ट मोड आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस के लिए, अगर आप इसको बहुत रफ एंड टफ चलाना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, तो आई थिंक मेरा सजेशन है कि आप स्पोर्ट्स मोड में व्हीकल को चलाएं, कार को चलाएं। और इसमें जो 3 ट्रैक्शन मोड है वो अलग अलग कंडीशंस के लिए हैं। अगर आप इसको स्नो में चलाते हो या मड में चलाते हो या सैंड में चलाते हो, तो उसके लिए आपको 3 ट्रैक्शन कंट्रोल्स दिए गए हैं, ताकि इंजन अपने आप उस एनवायरनमेंट को बेसिकली अंडरस्टैंड करे और उसमें एडजस्ट होके व्हीकल के टायर्स मूव हो। ओके। और अगर यहाँ हम माइलेज सजेशन की बात करें, तो आप कुछ व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे माइलेज की, सिटी में अगर माइलेज अच्छी लेनी है तो कौन से मोड में ड्राइव करना चाहिए? सो आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं इको में अगर चला रहा हूँ तो मुझे माइलेज का इशू आ रहा था, तो मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने और फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप सिटी ड्राइविंग कम्फर्ट में करें, और मैं तब से कम्फर्ट मोड फॉलो कर रहा हूँ और उसका मैंने बेसिकली पॉजिटिव रिजल्ट भी देखा है। सो बेसिकली आई एम थैंकफुल टू ऑल व्यूअर्स जिन्होंने मुझे सजेशन दिया। सो सिटी ड्राइविंग के लिए आई थिंक यू कैन गो फॉर कम्फर्ट और इको, योर विश, जो भी आपको कम्फर्टेबल लग रहा है। बट आप इसको जब हाईवे पे चलाते हैं कंसिस्टेंट स्पीड में, तब आप इसको इको मोड पे चलाएं टू गेट अ गुड माइलेज। ओके। और आपको इसका ऑटो होल्ड एंड क्रूज कंट्रोल का फीचर कैसा लगा? सो ऑटो होल्ड बेसिकली जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि ये बेसिकली गाड़ी को होल्ड करने के लिए है। अब इसमें ऑटो होल्ड इसलिए यूज़ किया कि ये ऑटोमेटिकली आप जब इसको प्रेस करते हो और जब आप इससे मतलब बेसिकली आप इसको ऑफ करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सो ऑटो होल्ड को बेसिकली हम अपहिल यूज़ करते हैं, हम कभी गाड़ी को रोक रहे हैं टेम्परली, तो आप ऑटो होल्ड बटन को प्रेस करें सो दैट आपकी गाड़ी मूव नहीं हो, हिले नहीं, और जैसे ही आपका ये बेसिकली यूज़ कंप्लीट हो गया, तो आप एक्सेलरेट करें और ये ऑटोमेटिकली होल्ड निकल जाएगा और आपकी गाड़ी चल जाएगी। ओके। और यहाँ अगर हम बात करें, आपको गाड़ी में सबसे अच्छा और एक मिसिंग नेगेटिव जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्या लगे? आई थिंक क्रेटा में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इनके राइवल्स में नहीं है, सेल्टोस में नहीं है या कॉम्पस में नहीं है, हैरियर में नहीं है। तो सबसे पहले जो ऑटोमेटिक मॉडल है DCT, तो उसके अंदर पैडल शिफ्टर्स मिले हैं मुझे। सो पैडल शिफ्टर बेसिकली अगर मैं कार को मैनुअली चलाना चाहूँ विद माई हैंड्स, तो मैं उसको चला सकता हूँ। वो स्टेयरिंग के पास मेरे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड के बेसिकली लीवर्स हैं। और सेकेंडली मेरे ख्याल से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो भी एक अच्छा फीचर है। सो आपको बार बार वो लीवर पुल एंड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको एक डिस्कम्फर्ट देता है शायद किसी भी मैनुअल पार्किंग ब्रेक में। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कर लो और जब भी आपका बेसिकली काम ख़त्म हो गया और जब भी आप इसको एक्सेलरेट करते हो, तो ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाता है,
ऑफ हो जाता है। ओके और कोई नेगेटिव जो आपको लगा हो कि नेगेटिव? आई थिंक मैंने जो फीचर्स दूसरी कॉम्पिटिटर्स में देखे हैं जो यूज़फुल हो सकते हैं और हैं बेसिकली, सो सेल्टोस में दो अच्छे फीचर हैं, एक तो 360 डिग्री कैमरा है, वो आजकल बेसिकली आजकल की कंजेस्टेड सिटीज़ में ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 कैमराज आपको 360 व्यू मिल जाता है एक्सटीरियर से। सेकेंडली जब आप पार्क करते हो कार को तब भी वो बहुत हेल्पफुल होता है, आपको हर डायरेक्शन दिखाता है ऑन योर स्क्रीन। सेकेंडली जो सेल्टोस के अंदर है एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है जो बेसिकली आपकी फ्रंट MMID स्क्रीन पे आपको व्यू मिल जाता है जब भी आप अपने इंडिकेटर्स को राइट और लेफ्ट करते हैं। तो जब जिस डायरेक्शन में आप इस इंडिकेटर को मूव करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उस साइड का व्यू देगा वो MMID स्क्रीन पे। तो शायद ये दोनों बहुत यूजफुल फीचर हैं डे टू डे ड्राइविंग के लिए। तो ये नेगेटिव्स मैं क्रेटा में बेसिकली क्रेटा 2020 में फील कर रहा हूँ अभी। ओके और जैसे कि आपने 19+ लाख स्पेंड किया इस गाड़ी पे, तो कहीं आपको कभी लगता है ऐसा कि नहीं शायद मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कोई और गाड़ी खरीदनी चाहिए थी या थोड़ा पछतावा, मतलब ऐसा कुछ? नहीं मेरा ऐसा कुछ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्रेटा के साथ। ह्यूंडई के व्हीकल्स अच्छे हैं नो डाउट, उनका मार्केट वैल्यू है, दे हैव अ गुड रीसेल वैल्यू ऑल्सो, सो रीसेल वैल्यू ह्यूंडई के प्रोडक्ट्स का अच्छा रहता है कंपैरेटिवली। और सबसे अच्छी बात इनका सर्विस नेटवर्क, मतलब मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप 2 या टॉप 3 में आएगा आफ्टर, इफ़ यू से अगर मारुति सुजुकी का नंबर 1 है तो सेकंड नंबर पे ह्यूंडई होगा। और उसके बाद सबसे अच्छी बात ह्यूंडई के अंदर यह है कि इनकी कार फीचर से लोडेड होती है, सो जब भी आप कंपेयर करेंगे किसी भी राइवल के साथ, मे बी वो आपको अच्छे सेफ्टी फीचर देंगे जो कॉम्पिटिटर्स है, बट इसमें ओवरऑल पैकेज आपको मिलता है, सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं आपको, कंफर्ट के फीचर्स भी मिलते हैं, कुछ लग्जरी फीचर्स भी मिलते हैं, तो ये सब एक पैकेज बना के एक अच्छा कस्टमर को ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। स्टीयरिंग हैंडलिंग और सस्पेंशन आपको कैसे लगे इस गाड़ी के? स्टीयरिंग आई थिंक ये पुरानी क्रेटा से बेटर है जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पुरानी क्रेटा काफ़ी ड्राइव करी है, सो उसका स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है। इसका स्टीयरिंग जो मुझे फील हुआ अभी तक ये थोड़ा टाइट है, थोड़ा हैवी साइड पे है, सो दैट आपको एक स्टेबिलिटी मिले जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका व्हीकल बेसिकली अनवांटेडली मूव नहीं हो इधर उधर, तो उसके लिए एक अच्छा स्टीयरिंग कंट्रोल दिया है। हाईवे पे जो आपको एक थोड़ा सा ग्रिप चाहिए वो भी आपको मिलता है इसके साथ, और हैंडलिंग बहुत अच्छा है इसका। सस्पेंशन, यस सस्पेंशन इज ऑल्सो गुड, तो वो अच्छा है बेसिकली, आप एक अच्छा टायर प्रेशर अगर रखते हैं कार के अंदर तो आपको एक अच्छा सस्पेंशन मिलता है, और आपको वो जो बेसिकली जो गड्ढे वगैरह आते हैं रास्तों के अंदर तो वो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देंगे गाड़ी के अंदर। ओके ओके। और अगर हम बात करें म्यूजिक सिस्टम की टच एंड लैग की, तो आपका क्या है इस पे ओपिनियन? आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, बहुत स्मूथ है इसका टच स्क्रीन, इज़ वेरी मच स्मूथ। और सेकेंडली इसमें बोस का 8 सराउंड सिस्टम है जो बेसिकली टॉप वेरियंट के अंदर है, सो इसमें एक सब वूफर भी दिया गया है फ्रंट साइड पे, और रियर में एक एक्स्ट्रा स्पीकर दिया है, सो आपका म्यूजिक और टच स्क्रीन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ओके तो दोस्तों ये था क्रेटा का ओनर रिव्यू, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस गाड़ी को लेके या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। सो आशीष जी थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग ऑन आवर। थैंक यू सचिन, थैंक यू मोनोटोशन। मैं सभी व्यूअर्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको लाइक करके या कमेंट करके अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू थैंक यू।